कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने आज कहा कि आईआईटी के शोधकर्ताओं को अल्पभूधारक किसानों के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी और मशीनरी विकसित करने का बीड़ा उठाना चाहिए। कृषि मंत्री भुसे ने कल आईआईटी मुंबई का दौरा किया। उन्होंने आईआईटी के रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप सितारा ग्रुप के प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस समूह की सहायता से कृषि प्रौद्योगिकी पर हो रहे शोध की जानकारी ली, परियोजनाओं का दौरा किया। उसी समय उन्होंने ये अपील की थी। मीटिंग जल विहार हॉल आईआईटी मुंबई में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर कृषि सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार, नानाजी देशमुख, कृषि संजीवनी परियोजना पोकरा निदेशक इंदिरा मालो, आईआईटी निदेशक डॉक्टर सुभाष चौधरी, प्रोफेसर आनंद राव भी मौजूद थे। कृषि मंत्री भुसे ने कहा कि राज्य में किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही है। अल्पभूधारक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। आईआईटी के उन प्रौद्योगिकियों और मशीनरी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो और इनपुट लागत को कम करें। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई प्रयोगात्मक किसान अपने अनुभव से विभिन्न तकनीकों मशीनी और विकास कर रहे हैं। उन्होंने आईआईटी और कृषि महाविद्यालयों से तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से अपने शोध को विकसित करने के लिए एक साथ आने की भी अपील की। आईआईटी के शोध छात्र राज्य में किसानों की विभिन्न समस्याओं के जवाब खोजने के लिए अपना पूरा समय देंगे। इसके लिए राज्य सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों को छात्रों को फेलोशिप देने की बात आईआईटी के आनंद राव ने की। इस विचार पर आईआईटी और कृषि विभाग को एक साथ आकर एक योजना तैयार करने का सुझाव कृषि मंत्री भुसे ने दिया।